म्यू वन एंड म्यू टू आर मेजर ऑन सिगमा रिंग सिगमा रिंग जी आर बच्चे क्या हैं सिगमा रिंग है देन सच देट म्यू वन इज इक्वस्ट टू म्यू टू ई जो म्यू वन ई होगा वो किसके इक्वल होगा म्यू टू ई के फॉर ऑल ई जो ई e कहाँ से बिलोंग कर रहा है आर में से और आर हमारा क्या है रिंग ठीक है अब सेकेंड इसके जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि मोर एवर एज्यूम दैट कि हमने क्या एज्यूम कर लिया द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर जो रिस्ट्रिक्शन है बच्चे म्यू आई टू आर जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है इज़ फाइनाइट सिग्मा फाइनाइट वो क्या है सिग्मा फाइनाइट है बच्चे अगर हमारी रिस्ट्रिक्शन है वो सिग्मा फाइनाइट हो जाएगी देन म्यू आई किसके इक्वल हो जाएगा म्यू टू के ऑन जी आर पे ठीक है ये हमारी थ्योरम है और उसकी स्टेटमेंट है अगर आपको मोस्टली ज़्यादातर ये क्वेश्चन कह आता है कि स्टेट एंड प्रूव यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम ठीक है रेयरली है कि आपको वो स्टेटमेंट दे और आपने उसको प्रूव कर ठीक है तो लेट्स प्रूव इट ठीक है उसको प्रूव करते हैं सबसे पहले ना हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे अब देखना ध्यान से समझ रहे कि उसको कैसे करेंगे ठीक है स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी आप स्टेट एंड प्रूव यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम तो आप पहले क्या लिखे स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पे ठीक है आप पहले उसको समझिए कि कैसे लिखा है हमने इसको ठीक है चलिए आपने क्या लिखना है आपने क्या लिख दिया लेट आर बी अ रिंग आर हमारी क्या है रिंग है ठीक है आर क्या है हमारी रिंग ठीक है और आपने क्या लिख दिया कि वन एंड म्यू वन एंड टू क्या है बच्चे वन एंड टू आर मेजर ये क्या है दोनों मेजर ऑन सिग्मा रिंग किस पे मेजर है बच्चे मेजर ऑन सिग्मा रिंग और सिग्मा रिंग हमारा क्या है जी आर जी आर हमारा क्या है बच्चे सिग्मा रिंग आपने क्या कहा आर हमारा रिंग है और म्यू वन एंड म्यू टू मेजर है ऑन सिग्मा रिंग और सिग्मा रिंग हमारा यहाँ क्या है जिया देन देन क्या होगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन कि म्यू वन ई जो म्यू वन ई है बच्चे वो किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू म्यू टू ई किस के किसके इक्वल हो जाएगा ये म्यू टू ई के एंड फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर ठीक है ये क्लियर है आपको कि आर हमारा रिंग है और म्यू वन एंड म्यू टू तो हमारे मेजर हैं ऑन सिग्मा रिंग जी आर पे ठीक है देन क्या होगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन म्यू वन ई के स्केकुल म्यू टू ई के फॉर ऑल ही बिलोंग्स टू आर ठीक है यहाँ तक क्लियर है बच्चों उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर रिस्ट्रिक्शन क्या बच्चे है? हमारी म्यू आई टू आर आपको पता है रिस्ट्रिक्शन कैसे लिखते हैं अगर आपको नहीं पता टेंशन मत लीजिए आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से आप अच्छे से आ जाएगी ये थोड़ा सिक्सटीन मार्क्स की पूरी आती है इज अग्मा फाइनाइट ये क्या बच्चे सिग्मा फाइनाइट है ठीक है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर इज सिग्मा फाइनाइट अगर उसका रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिग्मा फाइनाइट होगा देन तो क्या होगा देन म्यू वन इक्वल होगा म्यू टू के ऑन जी आर पे ठीक है ये इसके टू पार्ट्स हैं इस थ्योरम के, ये टू पार्ट्स हैं और इसको आपने प्रूव करना है ठीक है आई होप कि अब आपको इजीली स्टेटमेंट इसकी याद होगी होगी क्या स्टेटमेंट कह रही है कि अगर आर रिंग है और म्यू वन एंड म्यू टू आर मेजर ऑन सिग्मा रिंग है और जी आर हमारा क्या है सिग्मा रिंग है आर रिंग है और जी आर हमारा क्या है सिग्मा रिंग है तो क्या कंडीशन होगी देन म्यू वन इक्वल होगी म्यू टू ई के फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर ठीक है और सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर जो रिस्ट्रिक्शन है बच्चे म्यू आई टू आर अगर वो सिग्मा फाइनाइट है देन क्या होगा म्यू आई म्यू वन इज इक्व टू म्यू टू ऑन जी आर ठीक है ये हमारी क्या है स्टेटमेंट है और ये थ्योरम है हमारी ठीक है ऐसे भी दे सकते हैं आपको ऐसे भी दे सकते हैं और आपको क्या दिया जैसे हम किसको सॉल्व कर रहे हैं स्टेट एंड प्रूव यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम को हम उसको स्टेट कर रहे हैं पहले हु? दोनों का मतलब सेम ही है ठीक है हमने आपको ईजी वे बता दिया कि आप इसको लर्न कैसे करेंगे ठीक है इसके टू पार्ट्स हैं आप इसको ऐसे लिख लीजिए टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जमेगा ठीक है अब चलो इसकी प्रूफ करते हैं ठीक है क्या करेंगे हम इसका प्रूफ ठीक है करें प्रूफ चलो करते हैं प्रूफ इसका चलो बच्चा हम इसका प्रूफ करेंगे सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे इसका फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे ठीक है तो लेटस लेट कंसीडर लेटस कंसीडर फर्स्ट केस क्या हम कंसीडर कर रहे हैं द फर्स्ट फर्स्ट केस ठीक है और वो फर्स्ट केस क्या है हमारा फर्स्ट केस क्या है हमारा बच्चे कि म्यूवन एंड म्यूटू जो म्यूवन और म्यूटू है बच्चे वो क्या है आर फाइनाइट मेजर ये दोनों क्या है बच्चे फाइनाइट मेजर फाइनाइट मेजर ऑन जी आर ठीक है ऑन जी आर हमारा क्या है जी आर है हमारा सिग्मा रिंग कि म्यू वन एंड म्यू टू आर फाइनाइट मेजर ऑन जी आर जी आर इज अ सिग्मा रिंग ठीक है देन क्या होगा एक ए हमने क्या किया लेट कर लिया कि ए बी अ क्लास बी द क्लास ऑफ ऑल सेट्स क्या है ए बी द क्लास ऑफ ऑल सेट्स क्लास ऑफ ऑल सेट्स ठीक है जो ए है बच्चे वो क्या है क्लास ऑफ ऑल सेट्स हैं सेट्स ई इन जी आर ठीक है अभी बताएंगे उसको अच्छे से कैसे करेंगे कि जो ए है वो क्लास ऑफ ऑल सेट्स है ई के इन जी आर में ठीक है मतलब क्या कहना चाह रहा है ये देन देन जो म्यू वन ई है बच्चे वो किसके इक्वल हो जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू टू ई एंड फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर मतलब एक क्या कहना चाह रहा है अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू ए किसके इक्वल है बच्चे? ई ई किसका एलिमेंट है ई कर रहा है बिलोंग कर रहा है जी आर में से ई किसका एलिमेंट है बच्चे जी आर का एलिमेंट है ठीक है कि सच दैट कि म्यू वन ई e किसके इक्वल है बच्चे म्यू टू ई किस के किसके इक्वल है म्यू टू ई के ठीक है ठीक है बच्चों ये लाइन क्या कह रही है कि ए बी द क्लास ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ई कि ए क्लास ऑफ ऑल सेट्स सेट ई के सारे के सारे सेट्स और ई किसका एलिमेंट है जी आर का एलिमेंट है और वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं कि यू वन ई इक्वल्स टू यू टू ई फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे आप ई लिख लीजिए दोनों का मतलब सेम ही है ठीक है नेक्स्ट प्रूफ कर लेंगे अच्छा ठीक है अब आप ये बताइए कि अगर ई किस किस के, e e के वो सारे एलिमेंट जो जी आर के हैं जी आर के हैं ठीक है और इसको देखो तो अगर ये, अगर ये इसमें U1 e, e टाइप के एलिमेंट है ठीक है तो इसका मतलब क्लियरली है हमें क्या क्लियर है कि ए नॉट इक्वल्स टू फाइव होगा ये एलिमेंट तो है ना अगर ये एलिमेंट को लेके चलें तो ए फाइव तो नहीं है ना मतलब खाली तो नहीं है इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना ठीक है तो आप क्या लिख लेंगे कि ए नॉट इक्वल्स टू फाइव यानी इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है दे फोर आप क्या कह सकते हैं एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर एट लीस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ आर एलिमेंट ऑफ आर of in in will be, will be be contain, A कि अगर A not equals to फाइव बच्चे तो R का कोई ना कोई एलिमेंट तो A में कंटेन करेगा ही ना ठीक है और R हमारा क्या है और R हमारा क्या है R is non-empty नॉन एम अगर आर नॉन एम टी यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है अगर उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो ए में भी कंटेन करेगा क्यों क्योंकि ए किसके इक्वल है ए इक्वल है ई e के और ई e किसके इक्वल है जी आर के ठीक है और जी आर किसके इक्वल है आर सी आर है ना ठीक है सबसे बड़ा आर है ठीक है ध्यान से देखना ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है ठीक है इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब आगे देखिए क्या करना है ठीक है अब आपने क्या कहा देन देन वी आर देन वी आर अब हमें क्या पता लग गया वी आर एज्यूमिंग हमने क्या एज्यूम किया वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर एज्यूमिंग दैट हमने क्या assume किया? जो आर है आर इज अ सबसेट ऑफ ए ए इज अ सबसे ठीक है आर किस का सबसेट हो गया ए का और ए किसका सबसेट हो गया जी आर का हो गया ठीक है अच्छा चलो इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया ठीक है आगे चलो अब यहाँ तक तो क्लियर है ठीक है अब आगे देखो क्या करना है नाउ वी हैव टू प्रूव अब हम क्या करेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव नाउ वी हैव नाउ वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट अब हम प्रूव करेंगे प्रूव दैट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हम क्या प्रूफ करेंगे बच्चे जो जी आर है जो जी आर है इज अ सबसेट ऑफ ए जी आर किसका सबसेट है ए का ठीक है यहाँ तक क्लियर है आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे जो जी आर है वो किसका सबसेट है ए का ठीक है यहाँ तक क्लियर चलो करते हैं अब देखिए अब हमको एक थ्योरम पता है हमको क्या थ्योरम पता है अब हमको एक थ्योरम पता है हमको वो क्या थ्योरम पता है हमको ये थ्योरम पता है कि इफ कि इफ ये थ्योरम है हमारी ठीक है क्या है हमारी थ्योरम हमको ये थ्योरम पता है हम प्रूफ करें आगे ठीक है कि क्या कि इफ आर इज़ रिंग अगर आर हमारा क्या है रिंग है ठीक है आर हमारी क्या है रिंग है ठीक है एंड एम इज मोनोटोनिक एंड एम इज एम हमारा क्या है मोनोटोनिक क्लास एम क्या है एम इज अ मोनोटोन मोनोटोन क्लास और एम हमारी क्या है बच्चे मोनोटोन क्लास है आर हमारी रिंग है और एम हमारी क्या है मोनोटोन क्लास है ठीक है एंड एंड क्या जो आर है जो रिंग है वो सबसेट है एम का यानी मोनोटोन क्लास का ठीक है देन तो क्या होगा बच्चे अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो जी आर जो होगा इज अ सबसेट ऑफ एम तो जी आर अगर आर एम का सबसेट है ना बच्चे आर इज सबसेट ऑफ़ एम देन जी आर ऑल्सो सबसेट ऑफ एम क्यों क्योंकि आर किसका सबसेट था जी आर का था ना यहाँ पे हम चल रहे हैं कि आर किसका सबसेट है जी आर का है ठीक है तो अगर आर सबसेट है एम का तो ऑब्वियसली जी आर भी होगा वो सबसेट होगा एम का ठीक है यहाँ तक क्लियर है ये हमारी थ्योरम है ये आपको याद रखनी है कि अगर आर कोई रिंग है और एम कोई मोनोटोनिक क्लास है और जो आर है वो सबसेट है एम का देन जी आर भी होगा वो सबसेट होगा एम का क्यों क्योंकि आर हमारा किसका सबसेट था जी आर का ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व ठीक है दे अब थ्योरम पता लगी अब हमें क्या पता है जो आर है हमारी उसमें रिंग है ठीक है आर रिंग है और एम हमारा क्या है मोनाटोनिक क्लास है तो हम प्रूफ कर सकते हैं इजीली कि जो जी आर होता है वो सबसेट होता है एम का अब हमने यहाँ क्या प्रूफ करना है जो जी आर है बच्चे हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है हमने यहाँ पे प्रूफ करना है जो जी आर है वो सबसेट है ए का ठीक है फिर हम क्या करेंगे हम इसमें प्रूफ करेंगे कि जो ए है बच्चे वो क्या है मोनोटोन है ठीक है तो हम प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे ए इज़ मोनोटॉनिक क्लास ए क्या है हमारी मोनो टोन क्लास हम क्या प्रूफ करेंगे जो ए है हमारी वो मोनोटोन क्लास है ठीक है अच्छा ए को हमने मोनोटोन क्लास प्रूफ करना है चलिए आप मुझे बताइए अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि मोनोटोन क्लास होती क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है तो पहले हम करेंगे मोनोटोन क्लास की डेफिनेशन की मोनोटोन क्लास होती क्या ठीक है उसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है अभी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं अभी बताते हैं आपको बच्चा जी हमने मोनोटोन क्लास प्रूफ करना है सो so, हम क्या कर लेंगे सो so, हम लेट कर लेंगे हम क्या लेट कर लेंगे कि ई एन इज़ ई एन इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो ई एन है बच्चे वो क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ई एन इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई ई एन क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई ठीक है अगर ई ई एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ़ ई e के ठीक है अगर ई एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर ई एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ई के ठीक है तो क्या होगा अगर ई एन इसको आप कैसे लिख सकते हैं उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ई एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई ठीक है अगर ई एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ ई देन ई इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेट और जो ई है बच्चे वो क्या है वेयर जो ई है व्य ई एन आपको ये पता लग गया अगर मोनोटोन है और ई e एन क्या है हमारी ई e एन क्या है हमारी इंक्रीजिंग ऑफ ई है ठीक है तो आपने तो व्यर जो ई e एन है बच्चे ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ ई एन इज अ जो ई e एन है वो क्या है यहाँ पे ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स सेट्स इन ए जो ए सेट हमने लिया था ए हमने किसके ए इक्वल्स टू लिया था ना बच्चे हमने ए हमने लिया था यहाँ से कि ए इज इक्वल्स टू ई बिलोंग्स टू जी आर यू वन ई की म्यू वन ई इज इक्वल्स टू म्यू टू ई यहाँ से जो ई एन है वो किसकी सीक्वेंस है ए की ठीक है कहाँ से है ए से है ठीक है सीक्वेंस ऑफ सेट ठीक है और ई एन अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ई के ठीक है अब आपको यहाँ से क्लियर है कि अगर ई एन बिलोंग कर रहा है ई में बच्चे अगर आप ई एन बिलोंग कर रहा है आपका ई एन बिलोंग कर रहा है ई में तो ऑब्वियसली जो आपका ई है ठीक है तो ई भी बिलोंग करेगा ना ई में अगर ई एन बिलोंग करेगा बच्चे तो ई भी तो करेगा ठीक है ई करेगा करेगा फिर आप क्या करेंगे अब आपको दिखना है सीन्स क्या कि ई एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई ई एन अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है देन आप क्या लिख सकते हैं कि मी ऑफ ई एन ऐसे लिख सकते हैं ना कि मी ऑफ आई ऑफ ई एन इज इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ आई ऑफ ई ठीक है ज्यादा क्लियर है अच्छा ए में किस टाइप के एलिमेंट थे किस टाइप के एलिमेंट थे बट ए में किस टाइप के एलिमेंट है हमारे कि जो म्यू वन ई म्यू वन ई एन है बच्चे वो इक्वल है म्यू टू ई एन के इसी टाइप के एलिमेंट्स थे ना उसमें कि म्यू ठीक है बच्चे ए में हमारा किस टाइप के एलिमेंट है कि म्यू वन ई इज़ इक्वल टू म्यू टू ई ठीक है यहाँ हम ई एन ले चल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं म्यू वन ई एन इज इक्वल टू म्यू टू ई एन ठीक है फॉर ऑल एल ठीक है फॉर ऑल एन अब आप क्या लिखेंगे अच्छा आप बताइए जो म्यू वन ई एन है जो म्यू वन ई एन है वो इक्वल है लीस्ट अपर बॉन्ड जो उसका लीस्ट अपर बॉन्ड है बच्चे लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ म्यू वन ई एन म्यूवन ई एन का जो लीस्ट अपर बॉन्ड है वो क्या है म्यू वन ई है ठीक है जो म्यूवन म्यू वन ई का जो लीस्ट अपर बॉन्ड है म्यू ऑफ ई एन का ठीक है क्लियर है और म्यू टू ई क्या है म्यू टू ई इज़ इक्वल टू लीस्ट अपर बोंड ऑफ लीस्ट अपर बोंड ऑफ म्यू टू ई एन का ठीक है म्यू वन म्यू वन ई क्या है इज़ अ लीस्ट अपर बोंड ऑफ म्यू वन ई एन का और म्यू टू ई क्या है इज़ अ लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ म्यू टू ई एन का ठीक है तो आप कैसे लिख सकते हैं आप इसको कह सकते हैं क्या कि म्यू टू ई म्यू टू ई इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बोंड लीस्ट अपर बोंड एंड म्यू टू ई एन का ठीक है एंड विच इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बोंड ऑफ यू वन ई एन ठीक है और वो ई एन ये किसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा म्यू वन ई के ठीक है किसके इक्वल हो जाएगा म्यू वन ई के तो आप क्या कह सकते हैं कि म्यू टू ई इज इक्वल्स टू म्यू वन ई ठीक है क्लियर है यहाँ तक बच्चों फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू ए और ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है ए में से बिलोंग कर रहा है ठीक है अब ऑन दी अदर हैंड अब अपने इंक्रीजिंग लिया डिक्रीजिंग लेनी पड़ेगी तो ऑन दी अदर हैंड अदर हैंड क्या कि इफ इफ ई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई अगर ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई होता और वेयर हमने क्या लिखा है ई एन किसका एलिमेंट है वेयर ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वेयर ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट ए है ना ई एन किसकी सीक्वेंस है सेट ए की और ए में किस टाइप के एलिमेंट है कि यू वन ई इज इक्व टू यू टू ई ठीक है तो देन बाय द थ्योरम अब हमें पता है क्या पता है अब हमें एक थ्योरम पता है वो थ्योरम क्या होती है कि इफ क्या इफ ई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई अगर ई एन इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है ई e की एंड और क्या दूसरी कंडीशन क्या हो कि वन ई e, क्या हो लेस देन इन्फिनिटी हो ये किसकी डेफिनेशन होती है दिस इज द डेफिनेशन और फाइनाइट मेजर ठीक है देन देन क्या होगा बच्चे कि म्यू ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी म्यू ऑफ ई की ठीक है ये हमारी होती है थ्योरम ये बच्चे ये डेफिनेशन होती है फाइनाइट मेजर की क्या होती है फाइनाइट मेजर कि क्या है कि अगर ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ई की और म्यू वन ई क्या है फाइनाइट मेजर है तो क्या होगा म्यू ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी म्यू ऑफ ई की ये हमारी थ्योरम होती है ठीक है चलिए अब हमने पहले हमने पढ़ाया हमने क्या रिज्यूम किया है कि जो म्यू आई है म्यू आर आर फाइनाइट मेजर म्यू आई हमारा क्या है फाइनाइट मेजर है ठीक है अगर म्यू आर आपका फाइनाइट मेजर है ठीक है और ई आर हमारी क्या है ई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है तो इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देन हम क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जो म्यू वन ई एन है जो म्यू वन ई एन है बच्चे वो इक्वल हो जाएगा म्यू आई ई के ठीक है क्लियर कि म्यू आई ई एन इज इक्वल हो जाएगा म्यू वन ई के ठीक है सीन्स ए इज मोनोटोन सीन्स इससे क्या प्रूव हो गया सीन्स ए इज मोनोटोन ए हमारा क्या है मोनोटोन मोनोटोन क्लास ये हमारी क्या हो गई मोनोटोन क्लास ठीक है अब इसका सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे ठीक है आई होप गैज आपको यहाँ तक समझ में आओगे होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच